जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अब सभी अपने दुश्मनों से परेशान होते होंगे, या जाने अनजाने में कहीं दुश्मनी हो गई होगी, आपका कुछ लेना देना नहीं होगा। और दुश्मनी एक ऐसा विषय है कि आज के युग में हम क्या बताएं, क्या सोचें, और व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत जल्द सक्सेस पाना चाहता है। अब यहाँ सक्सेस की बात कहाँ से आ गई? दुश्मनी हर एंगल पर, हर जगह पर, ऑफिस में, अड़ोस पड़ोस में, कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, एक अच्छे दोस्त के साथ भी दुश्मनी हो सकती है, दोर ही ऐसा है साहब। तो आज हम दुश्मनी पर बात करेंगे, शत्रुपरता पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में आपको जय श्री महाकाल लिखना है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। ये तीन काम करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दुश्मन के साथ शेयर जरूर करें, और ये भी बात लिखें कि आपका कोई दुश्मन है या नहीं है, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं कि शत्रु दुश्मन तो कभी भी किसी के साथ बन सकती है। पहली बात है अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचें कि हम क्या उसे बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मनी का वजह एक बहुत बड़ा है हमारी जुबान। कुछ बोल दिया, सामने वाले ने गलत समझ लिया और दुश्मनी पल गई, वो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। सिर्फ कह सकते कि मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूँ, लेकिन जो कह दिया वो तो आपके अभिव्यक्ति आपने प्रेजेंट कर दी, व्यक्ति का दिल दुख चुका है, और एक बार जब गांठ बन जाती है फिर वो बंध ही जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि आप व्यक्ति का स्वभाव और सभी चीज़ों पर ऑब्जर्व आपका रहना चाहिए, और कब किससे क्या बात कहना चाहिए इसका ध्यान रखें। दूसरी बात है दो व्यक्तियों के अनभिज्ञ, मतलब जिसमें हमें पता नहीं कि लड़ाई क्यों हो रही है, वजह क्या है, और हमें उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। हाँ, बीच बचाव कर सकते हैं, मारा मारी हो रही है तो आप दूर दोनों को कर सकते हैं, लेकिन कई बार आप दोनों को वजह लड़ाई की पता नहीं है, आपको किसी ने फ़ोन लगाया, आप वहाँ पहुँच गए और आप भी उसमें शुमार होकर अपने पक्ष की तरफ, जो दोस्त हैं आपका या जो भी रिश्तेदार हैं उनके पक्ष की तरफ से आप भी बोलने लग गए, या आप भी सपोर्ट करने लग गए, आपको माजरा मालूम है ही नहीं। तो फटे में टांग अड़ाना जिसे आम शब्दों में कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें हमें नहीं पता है क्या नहीं है, क्या घटना क्यों हो रही है, तो उन चीज़ों से आप दूरी बनाएं, और अधिकतर दुश्मनी का वजह का कारण यही है। तीसरी बात, जो लोग हमारे बहुत खास हैं और वो कभी कोई बात हमें कह देते हैं तो उसका मन मुटाव मत करिएगा, उसे बैठ कर सुलह करें, बैठ कर समझाइश करें, दोनों एक पक्ष सुलह करें, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उन लोगों को कोई भी भ्रमित कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो बहुत भोले होते, सरल होते हैं, जैसे कि आपकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब बैठें, सुलह करें, बातचीत करें और मसले को समझाएं। चौथी बात है कि दुश्मनी अगर आपकी है, मान लीजिए कि दुश्मनी हो ही गई है, कई वजह हो सकती है, तो भी आप उसे सुलह पर अग्रसर करें, बातचीत करके बात को खत्म करने की कोशिश करें, वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दुश्मनी पाल कर दिमाग में टेंशन कौन ले, और कई सारी बातें दिमाग में चला करती है, इसलिए बात यह है कि आप सुलह करें और आगे बढ़ जाएं। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपके शत्रु नहीं होंगे, और शत्रुता होनी भी नहीं चाहिए, हम सब एक हैं, भाई हैं, सब एक साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से हमें रहना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को सुलह सट और सुलझाने की कोशिश करें, ना कि उलझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी राय लिखें खुलकर। जय श्री महाकाल लिख सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट्स लिखना हो तो लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।